ये मैजिकल चीज, जहाँ से ये दिखाता है इसका टेम्परेचर और यहाँ से निकलता है गर्म पानी। घरेलू महिलाओं के लिए और मेरे जैसी बच्चों के लिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि बर्तन धोने पड़ते हैं इतने ठंडे में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग सुबह के 8 बजे से कर रहा हूँ। तो गाइस, आज भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, अभी तक इतना ज़्यादा कोहरा लगा है बाहर। पर मुझे तो ड्यूटी जाना है, मैं ड्यूटी के लिए तैयार तो हो ही गया हूँ। मानसी दुकान में गई है, तो पहले मैं डाइट वाइट अपने लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं भी चलता हूँ ड्यूटी को। इसलिए आज ब्लॉग स्टार्ट जल्दी कर दिया, क्योंकि मैं शाम को आज देर हो जाएगी शायद आने में, पता नहीं कितने बजे तक आऊँगा। और यहाँ कन्नू सोई है, डब्बू और बिस्की दोनों उठ गए हैं। मैंने रखी है चाय और मैंने डाइट तो अपनी बना ली है पहले ही, तो डाइट ले ही रहा था मैं। तो चलो जल्दी से लेता हूँ, फिर उसके बाद निकलता हूँ, देर भी हो रही है मुझे ड्यूटी के लिए। चलो गाइस, आप देख के आते हैं मानसी क्या कर रही है दुकान में। दोनों जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं आ रहे हैं। ये देखो गाइस, ये यहाँ आग सेक रही है मस्त करके, आग जलाई है गाइस। हाँ, हाथ मेरे इतने ठंडे हो गए थे। चाय मेरे लिए भी बनाना था। चाय पीती तू? वहाँ रखी है, पी लेना जा, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ ना। मैं हाथ सेक के जा रहा हूँ, मैं चले गया भाई। गाइस, मानसी को भी चाय चाहिए थी, बट अब मुझे देर हो रही है, वहाँ बनी हुई है, तो अभी मानसी ले आएगी खुद ही। मैं तो चलता हूँ, स्कूटी लेके जा रहा हूँ अभी। सामने देखो गाइस कैसा हो रहा है, अभी गाड़ी भी अंदर ही है, इसको बाहर निकालता हूँ पहले। गाइस, मानसी को भी चाय दे आता हूँ, क्योंकि इतने ठंडे में सुबह से उठी है। तो मानसी ले, पकड़ जल्दी पकड़। देखिए इसमें चीनी नहीं डाली है, पर गुड़ वाली है। मैं जा रहा हूँ भाई। चलो गाइस, स्कूटी बाहर निकाल ली है, अब चलता हूँ मैं सीधे ड्यूटी को, देर भी हो रही है। तो चलो गाइस, घर आने के बाद मिलता हूँ आपसे सीधे, तब तक के लिए ओके बाय बाय। तो गाइस, 6 बज गया है और मैं आ गया हूँ घर। गाइस, सुबह 8:30 बजे घर से निकला था और 6 बजे आ रहा हूँ। आज सुबह से खाना भी नहीं खाया गाइस, और मुझे नई जैकेट मिली है कंपनी की तरफ से, तो वाली जैकेट को मैं बैग में रख के लाया हूँ, ये वाली पहना दी थी इन लोगों ने। तो चलो गाइस, पहले तो खाना खाता हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, सुबह से पानी तक का नहीं पिया गाइस। पेट में दर्द भी हो रही है, मानसी लगा रही है खाना। चलो गाइस, मानसी ला गई है खाना। गाइस, दिन का खाना मैं रात में खा रहा हूँ, देखो अब रात का खाना कब खाऊंगा। गाइस, क्या बनाया है? आलू मटर की सब्जी, कद्दू चावल रोटी। आलू मटर की सब्जी, कद्दू चावल रोटी। गाइस, अब जाके मस्त हुआ, पेट भर गया है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, हमारा छोटा सा गीजर, जो गाइस मैं दिखाऊंगी, बहुत ही खतरनाक काम करता है, जो हमने कल लगवाया था। कल ही आया था वो ऑर्डर में, पर इन लोगों ने उसकी अनबॉक्सिंग पहले ही कर दी थी, इसलिए मैंने ब्लॉग में भी नहीं दिखा पाया उसकी अनबॉक्सिंग। चलो गाइस, दिखाता हूँ आपको। नमस्कार दोस्तों, आइए इस तरफ आइए, यहाँ हमारा किचन है जहाँ हमने अपना गीजर लगाया। तो गाइस, आप हमारे किचन को, मैं इसको इग्नोर कर सकते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे काम करता है। हमने इसको यहाँ नल से कनेक्ट करा है और इसके बाद इसको तार से जोड़ा है। तार से जोड़ना जरूरी है गर्म पानी के लिए, वरना ठंडे पानी के लिए तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको घुमाते हैं इस साइड तो निकलता है ठंडो पानी, देखो गाइस, ठंडा पानी आएगा गाइस। ऑफ हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको इधर से घुमाते हैं तो होती है मैजिकल चीज, जहाँ से ये दिखाता है इसका टेम्परेचर और यहाँ से निकलता है गर्म पानी। और गाइस देखो, अभी टेम्परेचर 21, 22, 23, 24, 25 और जितना बढ़ते जाएगा ना गाइस, इतना गर्म होते जाता है पानी। अभी दिखाता हूँ आपको, आप थोड़ी देर में देखो इसमें से वो निकलने लग जाएगा, जब वहाँ देख टेम्परेचर देखो गाइस, और देखो ये पानी में से कैसी भाप आ रही है, खतरनाक वाली, अरे भयंकर, हाथ जल रहा है, इतना गर्म हो गया गाइस देखो, 49 मी। और गाइस ये बहुत ही जित, ये खुद पे खुद जाते रहता आगे को, और पानी इतना गर्म होते रहता है। अगर आप इसे अभी बंद मत कर, इनको हाईएस्ट टेम्परेचर दिखाते हैं। हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है इसका? 88 के आसपास है सर। गाइस 53 इसका लास्ट टेम्परेचर है, 53 में आपको इतना खौलन पानी मिल जाएगा कि आपका हाथ मुंह सब भरी सकता है। गाइस इसका 53 लास्ट, अच्छा और भी तो है पागल, और है
53 से आगे बढ़ गया हूँ, वो भयंकर 55 लास्ट होगा ना? ना और होगा गाइस, मुझे लग रहा लास्ट 55 इसका टेम्परेचर है। तो गाइस इसका आप हाईएस्ट टेम्परेचर होने के बाद इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ से ऑफ कर दीजिए ये बंद हो जाएगा, और यहाँ इसका हाईएस्ट लेवल पानी का, यहाँ इसका लोएस्ट लेवल पानी का, ये इसका ऑफ। गाइस खतरनाक है यार, इतना छोटा नहाने के लिए भी पानी गर्म कर, इतना छोटा सा है पर काम क्या मस्त है गाइस इसका। गाइस घरेलू महिलाओं के लिए और मेरे जैसी बच्चों के लिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि बर्तन धोने पड़ते हैं इतने ठंडे में। गाइस इतना मस्त है ना ये, और इससे हम नहा भी सकते हैं गर्म पानी करके, एकदम मस्त है गाइस। इतना छोटा सा, छोटा पैक बड़ा धमाका है ये। गाइस कितना मस्त लग रहा है ना छोटा सा, और हमने यहाँ से नल भी निकाल दिया है, नल का काम भी यही करेगा गाइस, क्योंकि इधर को इसमें ठंडा वाटर और इधर करेंगे तो गरम। अभी भी देखो गाइस इतना चल रहा है सीधे, और इधर को करेंगे थोड़ा तेज आएगा, बहुत गर्म है। कमेंट करके बताना गाइस कैसा लगा। गाइस कल ही दिखाने की सोच रहा था पर कल मुझे टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं कल ही आपको दिखाता, बहुत ही मस्त है गाइस। चलो गाइस कपड़े चेंज करता हूँ और मस्त करके बिस्तर में घुस जाता हूँ, फिर मैं खाना खाते वक्त ही उठूँगा। और आज मुझे नई जैकेट मिली है, ये डबल साइडेड है गाइस, दोनों साइड से पहनने वाली। चलो गाइस मैं तो घुस गया हूँ बिस्तर में, मस्त करके आराम करता हूँ क्योंकि दिन भर से थक गया हूँ गाइस, आज हालत ख़राब हो गई खड़े खड़े। और दोनों महाराज भी हमारे सोए हुए हैं। गाइस दिन भर काम करने के बाद इतनी इज्जत मिलती है, बिस्तर में चाय भी मिल जाती है। चलो चाय पीता हूँ गर्मा गर्म। चलो गाइस अभी मैं थोड़ा सा उठ गया हूँ, मानसी सो गई है अब, तो मैं जा रहा हूँ अभी दुकान बंद करने के लिए, कन्नू इशू भी आ गए हैं, मेले में गए थे तो खाना आना बना रहे हैं। गाइस कन्नू तो यहाँ सब्जी काटी है अभी, मैं सोच रहा था बना भी दी इसने, प्याज टमाटर कट गया है, रोटी बना दी इतनी चूरी। चलो गाइस दुकान बंद करके आ गया हूँ घर, मानसी को उठाता हूँ, खाना खा लेते हैं पहले। चलो गाइस सबने खा लिया है, और हमने तो थोड़ा थोड़ा ही खाया क्योंकि भूख भी नहीं थी, अभी खाना खाया था। तो चलो गाइस जल्दी से अब सोता हूँ, और आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।